नमस्कार, आज मुझे निम चकुली तैयारी करके देखेबी। आम ओडिया गोटे कथा अच्छे, कुशे खई माघे दही चईते निम चकुली खाई। यह आमको सूचाई थाए जे पौष मास रे खई एवं माघ मास रे दही परी चैत्र मास रे निम चकुली खाइबा आम स्वास्थ्य पक्षे हितकर। विभिन्न ऋतु हिसाब से ऋतुकालीन खाइबा गुड़िकरे मध्य प्रतिरोधक शक्ति खंजी हे रही थाए। एही समय रे निम गछरे पत्र कहली कढ़ी एवं फूल आसी थाए। आम ओडिया घरे निम कढ़ को लेकिन विभिन्न प्रकार जिनस सब या आज मुझे निम चकुली या करके आपण मैं देखेबी। से देखो मुझे गोटे कप अरुआ चाउल को नहीं भल भाव धोईकी तीन रु चार घंटा बतुरे नेबी। चाउल सहित देखो मुझे छोट खंड नड़िया नहींशार विभिन्न अंचल यहाँ भिन्न भिन्न उपाय होता है। कहीं एरी मिशाती तो कहीं खाली चाउल को बाटिकी चकुली करता। देखो चाउल बतुरी गला मुझे ये भल भाव बाटि चाउल को बाटिकी आम सांगे सांगे व्यवहार करचे या अधा घंटा रखिकी व्यवहार करपर। ये देखो मुझे स्वाद अनुसार लुण देखिए किसी निम फुल दौड़ी आपण मैंने निज इच्छा अनुसार कम कि बेसी पिता जी पसंद से हिसाब से देवे। एवं नहीं सब जिनस को मैंने आण सहित लुण एवं निम फुल को भल भाव मिसई नवा। तापर आम जमी चकुली कर ठीक से करवा। से देखु तावाटे गरम करके तेल देपर बाटिकी रखि पिठौरे एवं मुझे गोटे पर गोटे चकुली को करे। चकुली गोटे पाख है उल्टे की आर पाक भल भाव ये देखु बर्तमान आम निम चकुली या एबे रखिथिबा बाकी पिठोरे मध्य चकुली गोटे परे गोटे करि नबा। मझेरे मझेरे दरकार हेले एमिति टिके टिके तेल दे देबे जेमति कि पिठाटा खाइबा को भल लागिबो। निमरे अनेक औषधीय गुण रहिछि। ता छोडा एटा एक ऋतुकालीन खाइबा हेथिबारु प्रचुर परिमाण रे प्रतिरोधक शक्ति मध्य एथिरे थाए। कोइ त सेथिपई आम पूर्वपुरुष कहि जैछन्ति पुसे खई माखे दही चैते निम चकुली खाए। हुए तो एथिपाई धनु संक्रांति व पौष संक्रांति समय रे धनुमा खई भोग ठाकुर पाखे लागि करा जाय थाए। तापर ठु खई खिया मध्य आरंभ होय थाए। ठीक सेहिपरि चैत्र मास रे जेहेतु निम कढ़ एवं फूल मिले थाए किंतु पिता होइथिबारु प्रायत लोक एटा को खाइबा को भल पांतिनि। सेथिपाई हुए तो किछि विधि रहिथिबा जेउथिपाई याको पिठा आकार कले छुआरु बुढ़ा समस्ते खाइबा को भल पाइबे। यही भितर देखु बाटिकी रखि पिठौरे सबुतक निम चकुली या।